हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये देखें, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। ये भी मेरी बेटी ने देख लिया, तो उसने बोला मुझे ला के दें। पता नहीं ये आलू मसाला के कोई पापड़ हैं, तो मैंने सोचा चले आपके साथ ये छोटी सी एक रेसिपी है वो शेयर करते हैं। तो जनाब, ये मैंने इसको घी में डाल दिया है। मेरे आइडिया में था ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन नहीं जी, ये फ्राई होने के बाद बस अपनी थोड़ी सी कह लें कि थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं, अदरवाइज़ ये रहते इतने ही हैं। अच्छा, यहाँ मुझसे एक गलती हो गई है, वो यही है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ना, मैंने इसको थोड़ा लो फ्लेम पे घी रखा हुआ था, तो उसमें मैंने डाल दिया। हालांकि इसको मीडियम फ्लेम पे रखना था, जैसे ही पापड़ इसमें डलते और वो फौरन फ्राई हो जाते। यहाँ से मेरे से गलती हुई है। ये देखिए, ये मीडियम हो चुकी हुई थी फ्लेम, तो मैंने डाल लिया, तो वो डालते सार ही अपना जो वो है साइज़ है वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसने नहीं किया। जो वेरी फर्स्ट मैंने डाला है ना, उसने नहीं किया, सिर्फ वो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा। खैर, हालांकि मैं दूसरे छोटे पास्ता टाइप चीज़ें ला के अपनी बेटी के लिए बनाती रहती हूँ, लेकिन बस ये मेरे जहन में नहीं आया, तो मैंने इसे हल्की आंच पे ही डाल दिया, तो नहीं बन सका ये। अभी ये देखे ना, मीडियम फ्लेम पे जो मैंने इस टाइम घी है उसमें डाल दिया, तो वो कितनी स्पीड से रेडी हो रहे हैं और वो खुद बखुद हो रहे हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छे हैं, मज़े के हैं। मैंने वेरी फर्स्ट टाइम इनका एक्सपीरियंस किया है। अदरवाइज़ ये है कि छोटे छोटे वो जो बच्चों के लिए होती हैं वो चीज़ें तो ला के मैं इसके लिए कटती रहती थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन ये लाई हूँ तो ये मैंने खाए भी हैं, तो ये टेस्टी हैं। इनमें नमक, मिर्च, मसाला और थोड़ा सा सिट्रस, आई थिंक सो कि इसमें टाटरी डाली हुई है या अल्लाह जाने क्या था, लेकिन खट्टे थे ये। तो बाकी ये है कि आपके सामने मैं बना रही हूँ, उल्टते नहीं है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। अदरवाइज़ ये है कि इनको फ्राई करके मैंने इनको ना, मतलब सीधा पहले जब रखा है ना, तो ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, थोड़े थोड़े इसके किनारे फिर भी कच्चे रह जाते हैं। जब भी मैं इनको उलटने की कोशिश कर रही थी ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रह जाए जी। तो फ्रेंड्स, ये बने हैं पापड़। ये मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। अगर आप लोगों ने भी ट्राई किए हो पहले से तो ज़रूर बताइएगा। ये मेरी बेटी को पसंद आ गए थे, बस मैं ले आई और मैंने ये बनाए, और अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है। बहुत ही क्रिस्पी हैं ये तो। इसमें नमक, मिर्च, मसाला जात और वो ज़ीरा वगैरह सब कुछ डला हुआ है, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट इसको फ्राई करें। और ये देखें, मैंने गलती की थी, सबसे पहला जो था मैंने डाला था ना, उसने वो मैंने दो दफ़ा इसको फ्राई किया, लेकिन ये नहीं पक सका क्योंकि ये मैंने हल्की आंच पे रख दिया था, ये कच्चा रह गया, ये खाने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत हार्ड है। इसलिए आप घी को ज़रा अच्छे से गर्म करके उसमें सिर्फ हल्के से हाथों से छोड़ेंगे तो ये फ्राई हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी से हो जाएंगे। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किए, मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं बस ये, और मुझे पता नहीं था ये कैसे पकेंगे, तो बाकी ये है कि मज़े के हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी बेटी को भी पसंद आए हैं, खा रहे हैं हम, ज़रा बस यूँ ही दिल किया था तो मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत मज़े के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिएगा प्लीज़। आप मेरी कुकिंग की वीडियोस को ना तो व्यूज़ देते हैं ना ही लाइक करते हैं, काइंडली प्लीज़ 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 मेरी कुकिंग वीडियोस को भी सपोर्ट करें, आपका बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मेरी क्ले की वीडियोस को लाइक करते हैं, और इसी तरह मेरी कुकिंग की वीडियोस जो भी मैं डालती हूँ उनको लाइक करें और उनको कमेंट भी किया करें कि आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।